सिवान की राजनीति में इन दिनों रोज रहे नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार प्रदेश आंगनबाड़ी संघ के अध्यक्ष पुष्पा पांडे ने सिवान के MLC टुन्ना जी पांडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुष्पा पांडे ने बताया कि कैसे भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे सिवान के पूर्व DPO राजकुमार यादव को टुन्ना जी पांडे ने पैसे लेकर बचाया। आइए सुनते हैं क्या है पूरा मामला। टुन्ना पांडे जी जो MLC हैं वो भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित हैं और उनका पुराना ये आचरण रहा है कि यहाँ सिवान जिला के सम्मानित माताओं बहनों बेटियों के साथ खिलवाड़ करना। उन्होंने ठीक अपना पर्चे देते हुए जिस तरह से ये मेरी बहन समान हैं पुष्पा पांडे जी, इनके इशू को विधान परिषद में उठाने का काम किया था। और जब विधान परिषद में क्वेश्चन उठा दिए उसके बाद जा करके वो पदाधिकारी से माइनेज करके पैसा ले करके फिर क्वेश्चन को वापस कर लिए। उनका यही करेक्टर है कि हमेशा वो यहाँ चाहते हैं सिवान की सम्मानित जनता को ठगना और झूठा बेबुनियाद आरोप लगा लगा करके मेरे जैसे आदमी पे वो अपना आरोप लगा रहे हैं कि मैं बहुत गलत काम करता हूँ। मैंने उनको कई बार ललकारा कि जो माताएं बहनों बेटी बहन के साथ जो आप गंदा काम करते हैं, जो खेल खेलते हैं, वैसा हम लोगों का कल्चर नहीं है। उन पे पास्को एक्ट लगा हुआ है। पास्को एक्ट एक ब्राह्मण समाज की ही छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार करने का प्रयास किए हैं, जिसका FIR हुआ, केस भी हुआ है। अब उसमें वो जेल खट करके आए हैं। अब पास्को एक्ट लगा है, हाई कोर्ट से बेल पर वो बाहर हैं, कभी भी वो अंदर जा सकते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार वो कहीं से कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि उन पर पास्को एक्ट लगा है। और वो हमारे जैसे और यहाँ के जो भी लोकप्रिय नेता हैं, सांसद हैं, उन पे वो इतना बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। जो आरोप हम लोगों पे लगा रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही हाल है। काम सब वो करते हैं, आप ब्लेम हम लोगों पे लगाते हैं जो कि सिवान की सम्मानित जनता, यहाँ के लोकप्रिय सांसद या मेरे जैसे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी के बारे में एक एक जनता जानती है। अगर जानकारी नहीं है तो टुन्ना पांडे जी के टीम को, टुन्ना पांडे जी को आज देखिए कि सिवान में उनके साथ एक भी अच्छे छवि के लोग नहीं हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि जिसको वो IB में बैठा कर जिन लड़का लोगों के साथ बयान देते हैं, वो यहां बैंक डकैती, मोटरसाइकिल छीनने वाला मामला उन लोगों पर दर्जनों है। आपके पास फोटो होगा, गुठनी में भी जो बयान दिलवाए हैं, गोपालगंज के अपराधी, देवरिया के अपराधी, सिवान के जितने शहाबुद्दीन के अपराधी हैं, उन सभी अपराधी को लेकर के ये घूमते हैं। आप बयान दिलवाते हैं तो अपराधी इनके दाएं बगल नज़र आता है, जिनको आप चिन्हित करके थाना से वेरिफिकेशन कराइए तो उन लोगों पर सवो दर्जनों बैंक डकैती और मोटरसाइकिल छीनताई का केस है। ऐसे टुन्ना पांडे जी को शर्म माना चाहिए कि जो व्यक्तिक और बेनैतिकता वाली आरोप लगा रहे हैं यहाँ के नेता पे, वैसे आरोप लगाने से सिवान की सम्मानित जनता उन पे बहुत हंस रही है। लोग कह रहे हैं कि जो ऊपर मुंह करके थूकेगा उसी के मुंह पर पड़ेगा। ये सब काम करना, बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करना, ये टुन्ना जी का कर्तव्य हो सकता है कि आपने देखा जैसे मेरी बहन समान पुष्पा पांडे जी को कैसे उन्होंने इनके साथ छल किया। पहले विधान परिषद में क्वेश्चन उठाएं और क्वेश्चन उठाने के बाद फिर जा करके पदाधिकारी से पैसा लेकर माइनेज कर लिए। इसी तरह से ठीक हुआ था, एक दक्षिण भारत का MP था लोकसभा में, वो भी पैसा लेकर के क्वेश्चन उठाया था तो उसकी सदस्यता चली गई थी। ये टुन्ना पांडे जी का यही सिवान सम्मानित जनता के नज़रों में खेल है। जातीय उन्माद फैला रहे हैं, कहीं दलित को गाली देते हैं, कभी OBC बैकवर्ड को गाली देते हैं, कभी ब्राह्मण समाज के महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं, यही उनका करेक्टर है। मैं उनके करेक्टर के बारे में सिवान की सम्मानित जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग इनको करेक्टर को पहचानिए, कैसे हुई वो अपने ही बहु बेटियों के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। 2016 से लेकर 2018 के बीच 5 करोड़ का उन्होंने घोटाला किया, जिसका जाँच का मांग MLC टुन्ना पांडे जी द्वारा विधान पार्षद में उठाने का बात कहा गया। और यह
जांच का मांग भी किया गया और वहां से जांच अभी सीवान डीपीओ राजकुमार यादव तक पहुंचने वाला ही था, तब तक उन्होंने डीपीओ से मैनेज हो गए और दोनों आदमी मैनेज कर गए। अगर यह जांच हो गई होती तो आज डीपीओ राजकुमार यादव जेल में रहते, लेकिन ऐसे भ्रष्ट डीपीओ को बचाने का काम हमारे एमएलसी टूना साहब जी किए, जिससे सीवान जिला में हमारी विभाग को आईसीडीएस को लूटने का काम राजकुमार यादव डीपीओ ने किए और महिलाओं के साथ शोषण करने का भी काम किए। लेकिन अगर हमारे एमएलसी साहब को यही करना था, मैनेज पर ही उतरना था, तो यह जांच का मांग नहीं करते और जांच का मांग भी किए और आपस भी ले लिए, जिसके चलते इस भ्रष्ट डीपीओ को उन्होंने बचा लिया। परिषद में टूना पांडे जी ने जो क्वेश्चन उठाया था और पदाधिकारी से पैसा लेकर के जो उन्होंने फंस गया, मैं कोई भी बयान दूंगा प्रूफ के साथ दूंगा, क्योंकि आप लोगों से भी आग्रह है कि झूठा साचा कोई मोटरसाइकिल चोर, कोई बैंक डकैती वाला अपराधी लोग बयान दे, उस पर थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दें। इसलिए टूना पांडे जी के साथ आज कोई बच गया है, दारू माफिया टीम के सदस्य और मोटरसाइकिल और अपराधी चरित्र के लोग बचे हुए हैं।